सो गाइस आज फाइनली वो दिन आ गया है शादी के लिए। मुझे अपने लिए शॉपिंग करनी है, नीतू को अपने लिए करनी है। ये मैं नीतू के लहंगे से मैच करने के लिए देख रहा हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग बोल दे भाई। गुड मॉर्निंग बोल दे भाई, और मेरी तरफ से भी गुड मॉर्निंग बेतू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लखनी व्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, फाइनली आज वो दिन आ गया जब हम लजिस्टिक ले जा रहे हैं। मैं नहा के तैयार हो गया हूँ, पूजा भी कर लिया, भगवान को थैंक यू बोल दिया, आप लोगों को थैंक यू बोलना रहता था। और पहली बार नीतू जाएगी किसी चीज़ की रजिस्ट्री कराने, अपने आप में एक बहुत बड़ा मोमेंट है, बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस होने वाला है। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। और रजिस्ट्री के लिए जाने से पहले हम आपको कल वाले क्लिप दिखाते हैं। वैसे कल रजिस्ट्री होने वाली थी, बिकॉज कल का ही हमने डेट फाइनल किया था, लेकिन नहीं हो पाई क्योंकि कुछ एंड मोमेंट पर चीज़ें अटक गई थी। पहले आप कल वाले क्लिप्स देखो, जब हमने पहली बार नीतू ने फिंगरप्रिंट लगाया, मैंने फिंगरप्रिंट लगाया, सॉरी थंब प्रिंट लगाया, फिर साइन किए, डॉक्यूमेंट्स रेडी किए, वो क्लिप आप देखो। सो गाइज, आज फाइनली वो दिन आ गया है जो हमने अपना नया प्रॉपर्टी खरीदी है उसके लिए रजिस्ट्री वाला प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, और शायद कल हमें रजिस्ट्रार ऑफिस जाना पड़ेगा। वैसे प्रोग्राम आज ही का था, बट आज कुछ एंड मोमेंट पर एक दो फॉर्मेलिटीज़ और हो गई, उस वजह से हम नहीं जा पा रहे। तो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अंगूठा भी लगाना होता, साइन भी करना होता, दोनों चीज़ें पहले नीतू पूरा कर रही है। तो अब बहुत जल्दी आपको इसका होम टूर भी देखने को मिलेगा, जो रॉ होम टूर हमें पहले दिखाना है, उसके बाद फिर जब हम रेनोवेट करा देंगे वो वाला आपको बाद में देखने को मिलेगा। तो हैंड्स अप, आप पहले मुझे बता दो किस किस को ये वाला होम टूर देखना है। अगर कितने, ओके, अगर 5 के कमेंट्स आ गए तो होम टूर नेक्स्ट। सो गाइज, अगर कुछ अच्छा करने से दाग लगते हैं तो दाग अच्छे हैं। तो ये वाला दाग जो लगा है फिंगरप्रिंट, पहले नहीं तो कहते कि फिंगरप्रिंट क्यों, मैं तो साइन कर दूंगी भाई, चाहिए होता साइन तो कोई भी कॉपी कर लेता है, लेकिन ये वाले फिंगरप्रिंट जरूर लगते हैं रजिस्ट्री के टाइम पे। okay. समझी, इसने तो यार हंसा दिया मेरे को वहां से बोल के। तो ये था कल का, और अब आज हम फाइनली जा रहे हैं, चले लेट्स गो, रजिस्ट्री कराने चल रहे हैं। हम दोनों रेडी हो गए, आ जा। तो हम दोनों रेडी हो गए, नहीं तो इधर तो आ, इधर तो आ यार, इधर तो आ, इधर तो आ, इतने इतने शुभ काम के लिए जा रहे हैं। गाइस थैंक यू, थैंक यू गाइस। हाँ, और मंदिर 12 बजे मंदिर के द्वार हम लगा देते हैं, भगवान जी का रेस्ट का टाइम होता है ये। अरे भाई क्या क्या लेके आता है तू, आधार कार्ड इतने में लाया है क्या? नहीं, आधार कार्ड ला, मेरा डेली आधार निकलवा के लाता हूँ, मैं डेली खो जाता हूँ। भाई भाई भाई, इसको तेरे ही पास है, इसको वो कर दे। ये आपका वो सृष्टि नाम से पार्सल है। ओ, मेरे आउटफिट्स आ गए हैं एक्चुअली, जो रोहित की शादी में पहन जाएंगे, इसकी वजह से तो लेट हो गए, नहीं तो वो तो 5 मिनट में मिलेगा था। चल ठीक है भाई, हम आते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। यार मेरे बाल ऐसे हो गए जैसे मैं 2 साल पहले रखता था, फंकी लुक है वैसे ये, अब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है ये वाला, मुझे पसंद है थोड़े से नीचे रखूँ बाल। जय हो सूर्य देवता, थैंक यू आपने दर्शन दिया आज। मैडम, ए मैडम, ए मैडम, क्या हाथ की जोड़ रही है। सो गाइज, हम अपने साथ पुनीत को भी ले जा रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद वो जो हमारा इतना स्पेशल मोमेंट है उसको सही से कैप्चर कर ले, जो कि ये नहीं करेगा मुझे पता है। इसका ध्यान ना कहीं और रहता है, ये बाहर जाके भाई पता नहीं इधर देखता रहता है, ताक झाक करता रहता है, और जो मेन चीज़ होती है उसी को भूल जाता है। भाई अगर तूने आज करा ना, अगर लोगों ने मोमेंट नहीं देखा तो आपको पता है कि आपको किसको जाके सुनाना है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, सुनाने आओ तो फॉलो भी कर जाना। तो ऐसा ना हो जानबूझ के करे, ऐसा कोई नहीं सुनाने तो आएंगे ही। नहीं कर लूंगा, सही कर लूं। भाई सही से ले लियो भाई, बहुत स्पेशल मोमेंट है हमारा। ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तेरे से। ओके हाँ, कर लूंगा कर लूंगा। इसकी बात पे यकीन सा नहीं होता मेरे को, है ना, नीतू को हो जाता है। नीतू को तो अभी पता ही नहीं क्या हो गया। कुछ भी नहीं, तो कुछ सोच रही है, ये लंबा सफर है ना भाभी, सोने की तैयारी कर। अबे हमारे घर से 5 मिनट दूर है भाई। अरे वीडियो बन रही, वीडियो लग रहा आप ऐसा सोच रहे कि हम कोई नहीं वाली लड़ाई मच रही थी, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल एक कैमरा बंद कर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कैमरा बंद कर जल्दी, अब हटो, ओवर एक्टिंग कम करो, चलो इसे कैमरा अभी भी ऑन रख। अब तू देख, अब तू गई, अब तू देख बेटा, अब तू गई, अब तू गया बेटा। नहीं तो क्या करती है, इसको चैलेंज देना था, ऐसे करती है, आप देखो ऐसे करती है। तुम इतना इरिटेट करते हो कभी कभी, तुम इतना भाई वो वाली लाइन तो बोली नहीं,
वैसे हो तो तुम क्यूट। वैसे हो तो तुम क्यूट। तो अब हम लोग आ गए हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यहीं पर हमारे साइन होने। नीतू आगे आगे चल रही है, मैंने पुनीत को भेजा कैमरा रखने के लिए, कैमरा लाओ नहीं तो फोन से रिकॉर्ड कर पाएंगे हम। अंकल आंटी की जो दो बेटियां हैं वो हमारे ब्लॉग्स देखती हैं, वो हमें खूब प्यार देती हैं। एक मसूरी आई भी थी, मसूरी वाली दीदी आई फाइनल में लेके जाओ। तो अभी हम मसूरी में जाएंगे, सिटी का वहाँ पे एक होटल है, होटल है हम लोग जाएंगे, सेवन नोक्स के नाम से होटल है, नेक्स्ट के नाम से उसकी शॉप है। दीदी ने हमें इनवाइट किया है तो हम जरूर जाएंगे। सो गाइस यहाँ पर हमारी रजिस्ट्री कंप्लीट हो गई है और अब हम ऑफिशियली के ओनर हैं। सारा प्रोसेस बहुत जल्दी हो गया, आपको थैंक यू करना बनता। थैंक यू बहुत छोटा वर्ड है वैसे आपके लिए, बट थैंक यू यार। सो गाइस इतना शुभ काम करने के बाद हम लोग चैन से बैठने चैन से खाने बैठे हैं। फंबल हो गया हूँ आज मैं। राइस कढ़ी मेरी फेवरेट और मटर पनीर और इन दोनों बच्चों के लिए भी है। साथ में हमारी पूनम बहन आ गई, हेलो कर दो। हेलो। नहा लो। नहा लियो। नहा लो, झूठ मत बोलो। अरे नहा लियो मैं। लोगों को स्क्रीन के अंदर भी स्मेल आ रही है। सच्ची मैं लगता हूँ डेली बोल रही हूँ कि यहाँ पर आके होम टूर दे दो, होम टूर दे दो, बट सुनने का नाम नहीं है। और हमने टेरेस को तो कितना सुंदर कर दिया है, प्लांट्स लगा दिए, लेकिन अभी इसमें काफी चीज और करवानी है। बाकी हम लोग कल से चले जाएंगे 1 वीक के लिए, तो फिर हमने ये चाहा है कि 1 वीक से यहाँ पर काम स्टार्ट हो जाए, मीन कल से यहाँ पर काम स्टार्ट हो जाए, ताकि हम लोग आए तो हमारा कुछ तो रहे हैं पुनीत। कुछ नया देखने के लिए मिले। तो गाइज हमारा जो अच्छा काम था वो हो गया, अब डबल अच्छा काम करने जा रहे हैं हम लोग। रोहित की शादी के लिए मुझे अपने लिए शॉपिंग करनी है, इंदु को अपने लिए करनी है क्योंकि हम लोग बाराती हैं। हमने अभी तक शॉपिंग नहीं की, कल हम निकल रहे हैं वैसे ट्रिप पे। तेरा तो हो गया ना, इसका सब हो गया, बाकी का हो गया, वैसे ऑलमोस्ट बस सबका हो गया, मेरा ही नहीं हुआ कुछ भी। मेरे को मेहंदी हल्दी शादी सबके लिए कुछ ना कुछ लेना है अपने लिए। भाई छाछ ले लेता हूँ, अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, ये बहुत बढ़िया चीज़ है पीने के लिए। तुम भी जा रही हो हमारे साथ? क्यों, तुम क्या करोगी? तुमने भी लिया अभी तक? हाँ सही कह रहा है पुनीत यार। देखो अब ये गोल्डन हो गए, अब देखो इसको, ये हो गया सिल्वर। अरे यही मैजिक है पुनीत के पास भाई। तो गाइस हम काफी सारे लोग हैं आज, तो सिर्फ पीछे वाली सीट फोल्ड कर लेते हैं, नीतू और पुनम दीदी को यहाँ बिठाएंगे और तुषार लंबा है वो नहीं है। हम लोग यहाँ पे बैठ के चलेंगे क्योंकि एक गाड़ी ऑलरेडी है दिल्ली में, है ना? हाँ, एक गाड़ी दिल्ली में। सो फ्रेंड्स हमारा प्लान चेंज हो गया है, अब हम इस गाड़ी में नहीं जा रहे, किया में जा रहे हैं, क्योंकि किया में ना टोटल हम 6 लोग आराम से बैठ सकते हैं, तो पीछे भी दोनों आ जाएंगे, हरिंदर भैया और तुषार। सो गाइस हम लोग आ गए साउथ एक शॉपिंग करने के लिए, तो अभी मेरी शॉपिंग स्टार्ट होगी बिल्कुल फंक्शन से एक दिन पहले, इससे लेट नहीं हो सकता था। अब हल्दी के लिए क्या लूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, ये अच्छा लग रहा है, मुझे ये अच्छा लग रहा है हल्दी के लिए। तो ये 4 मैंने अपने लिए सेलेक्ट किए हैं और ये 4 ट्राई करके देखता हूँ मैं अभी। अलग अलग कलर है बिल्कुल, इस बार मैं अपनी पसंद से ले रहा हूँ, मेरा कोई फंडा नहीं है कि इस बार नीतू से मैच करूँगा मैं, नहीं भाई मैं जो भी पहन कर रहा हूँ सब पे ठीक बोल रही, किसी पे भी अच्छा नहीं बोला अभी तक, तो तू निकाल के दे दे भाई कौन सा अच्छा है। अच्छा लग रहा है, ठीक है कि तुषार क्या कहता है ले लूँ? अरे मैं सबसे पूछता है, लेकिन जब तक सब कमेंट करेंगे तब तक तो मैं पुनः आऊँगा। गाइस पूछे तो नींद आ गई, बट मुझे पता नहीं क्यों स्टोर्स में आकर शॉपिंग करना बहुत गंदा लगता है, मेरे सर में दर्द हो जाता है। अगर मैं अपने लिए भी शॉपिंग कर रही हूँ तो मैं अपनी स्टाइलिस्ट को बोल देती हूँ कि मुझे ये लहंगा पिक करना है, मुझे स्टोर्स पे मत भेजना, बट क्या कर सकते हैं, कभी कभार तो ऐसा होता है कि हमें जाना पड़ता है, जैसे कि आज मैं कितनी ज्ञानी बन गई ना दी। ये मैं नीतू के लहंगे से मैच करने के लिए देख रहा हूँ, ठीक है अब ले ले भाई। 4-5 मेरे जो थे ना, मुझे जो अच्छे लगे वो नहीं लेने दिए, ट्राई करके आओ। इतना मुंह क्यों बना कह रही है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा,
तो यहाँ पर मेरा सर दर्द हो गया, अभी लखन का सर दर्द ऊपर जाके करूंगी जब मैं अपने लहंगे पसंद करूंगी। तो गाइज हमारी जो शॉपिंग थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई, मेरी हो गई, नीतू की भी चल रही है, पूनम मैन की भी चल रही है, पर मैंने यहाँ पे मंगा लिया है। भाई ये क्या है, आप लोग सोच रहे होंगे पागल हो गया हूँ, वो तो मैं गया हूँ क्योंकि मेरे को हर तरीके से अलग तरीके का व्लॉग दिखाना है, और ये क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये DJI का एक्शन 2 है, वैसे मेरे पास एक्शन 4 भी है लेकिन इसका ना कुछ अलग ही यूज़ है, और वो आप देखना। इसकी अनबॉक्सिंग मैं यहीं कर लेता हूँ बैठ के। वैसे मैंने मंगाए हैं क्योंकि हम रोहित की शादी में कुछ बहुत अमेजिंग सा करना चाहते हैं, तो कल हम चले जाएंगे, फिर टाइम मिलेगा नहीं, तो मैंने यहीं पर मंगा लिया। सो ये रहा, इसको हमने अनबॉक्स कर लिया है, और इसकी खासियत अभी आपको दिखाता हूँ। देखो इसके साथ क्या है ना, ये ऐसी डोरी है, इसको बड़ा भी हो जाएगा वैसे। हाँ, अब आपको क्या करना है, इसको पहन लेना है ऐसे। ये जो कैमरा है ये कैमरा यहाँ लग जाएगा, और इस सब चीज़ें रिकॉर्ड करता रहेगा सारी चीज़ें, तो आपके हाथ भी फ्री रहेंगे। और इसका एक और एडवांटेज है, वो ये कि आप इसको चाहे तो ऐसे कपड़े के अंदर कर लो, एक वो पिंक भी रख लेना, और इसको ऐसे चिपका दो। तो मैग्नेट इसका इतना स्ट्रांग है कि कपड़े के ऊपर भी काम करेंगे। सॉरी मैंने उल्टा मैग्नेट लगा दिया था, अब आप देख सकते हो इतना स्ट्रांग मैग्नेट है कि अगर मैं इसको कपड़े के अंदर कर देता हूँ, चिपक गया कैमरा। इसको रिकॉर्डिंग ऑन कर दो और रिकॉर्ड होता रहेगा, तो कितनी अच्छी चीज़ है। मतलब इससे क्या होगा, एक और आपको व्यू मिल जाएगा, एक और नया POV मिलेगा आपको देखने के लिए। तो कैसा लगेगा ये, तो मैं एक बस की रिकॉर्डिंग करूँगा तब आपसे पूछूंगा। और देखो कितना स्ट्रांग है, आराम से नहीं निकलेगा भाई। वाह, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसमें कुछ ना कुछ शॉट्स लेने के लिए। ये मेरा मेन कैमरा कभी नहीं हो सकता ब्लॉगिंग के लिए, हालांकि इसमें ऑडियो भी रिकॉर्ड होती है, और इसमें इंटरनल 32 GB स्पेस होती है, आपको कोई मेमोरी कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई माइक्रोफोन लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ये है बटन दबाओ और रिकॉर्डिंग होने लग जाती है, इसी में सेव हो जाती है, डायरेक्टली टाइप सी से ले सकते हो। मैं कह रही हूँ तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर बैठे बैठे, ये देख इतना कैसा है, ये माइक है, ये कैमरा है, नहीं तो ये देख, ठीक है जो रिकॉर्ड करना है हाथ वाथ सब फ्री। ऐसे कौन रिकॉर्डिंग करता है, मतलब एक नया POV मिल जाता है ना, इससे तो व्लॉगिंग भी कर सकते हैं, इसमें माइक वगैरह सब है अंदर। एक बात बोलूं, तुम क्यूट हो बस। सो फ्रेंड्स, ये है उस नन्हे कैमरे की क्वालिटी, आप लोग देख सकते हो। वैसे एक्शन कैम है तो प्रोफेशनल कैमरा जैसी आपकी क्वालिटी नहीं दिखेगी, बट समवॉट आई एम इम्प्रेस्ड यार, इतना टाइनी सा कैमरा और कितनी चीज़ें कर रहा है कमाल की। ऐसे जो स्टिक होने वाला इसका ऑप्शन है वो तो सबसे बेस्ट लगा मुझे अभी तक। बाकी इसके रिजोल्यूशन में देखो 4K 60 में ये कैप्चर कर रहा है, और मुझे तो बहुत अमेजिंग लग रहा है। वैसे ये लोग अब मेरे को पागल बोलने लगे हैं कि मैं कैमरों के पीछे पागल हो चुका हूँ, और सच में हो चुका हूँ। मेरे को चाहिए कि मैं सबसे बेस्ट क्वालिटी डालूँ, मेरा ये लालच है। चले चले चले, अरे चले। तो गाइज मैंने अपनी इच्छा को कॉल करके बोल दिया कि मेरे लिए कुछ खाना बना दो, मैं राष्ट्रपति भवन आ रहा हूँ। नहीं तो हम राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं ना, हम क्यों यार, चल रहे यार, कोई नहीं उधर, भूख लग रही मेरे को। मम्मी नहीं है ऑफिस में। अरे यार वो ऑफिस में है, तो अब क्या करें, घर चले। कितने आराम से हम लोग मार्केट में चल रहे हैं, कल यही टीम हमारी पूना में होगी और मजे कर रहे होंगे हम, क्यों भाई। यस, ए तुषार तो बहुत ही सुस्त होता जा रहा है यार, बिना रोहित के काम नहीं करता है सही से, मानते नहीं नहीं करता है। इसको चाहिए कोई लजने वाला डेली से। सुबह जब आता हूँ ना, हाँ, जब इतना काम रहता है समझ नहीं आता फिर। इसे ना कैमरा देख के नर्वसनेस हो जाती है, समझता बोलूं क्या, लेकिन कुछ बोलना चाहता रुक गया। हाँ, अपने घर में से सोने के लिए जाता है। हाँ ये बात तो है यार, अब आंटी कुछ दिनों में जो हमारे पास ही भेज देंगी। यार यहाँ पे ना हम लाजपत नगर से, नहीं सॉरी, हम साउथ एक्स की मार्केट में है, हमें बहुत अच्छा स्ट्रीट फूड मिलता है यहाँ पे। इधर तुम्हारी क्या बातें चल रही है, ये कहीं पर भी मेरे को बुलाएगी, सोचेगी मेरे बगल में चांदनी चौक पहुंच गया, 2 मिनट बोलेगा। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आए हुए, देखो कितनी सुंदर लग रही है ये जगह फूलों से, है ना। हम लोग आए हुए इंडियन हैबिटेट सेंटर, जहाँ पर हमने शायद इजा का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। हेलो हेलो गुरुजी, क्या तो यही है मेरे बेस्ट फ्रेंड जिनके बारे में आपको बता रहा था 2 दिनों पहले। क्या हाल है आपके? और तो 2 दिन पहले जब मैंने वो घर लिया, मैं लोगों को बता रहा था कि एक मेरे ऐसे फ्रेंड जो कैमरा पर नहीं आते, बट मैं चाहता हूँ कि वो भी कैमरा पे आए। और ये वो है जब मैंने बताया ना, जब किसी ने साथ नहीं दिया था तो भाई ने साथ दिया था, दक्षित भैया हमारे सुपर हीरो। मैं जब भी अपने बड़े भैया से मिलती हूं ना, मेरे चेहरे पे हमेशा स्माइल आ जाती है, क्योंकि यार भैया इतने मतलब सबसे ज्यादा पॉजिटिव इंसान है हमारी लाइफ में जितने हमने देखे हैं अभी तक। इस इंसान को हमने कभी टेंशन में देखा ही नहीं। तो यहाँ भैया हमें कुछ बातें बता रहे हैं। जी भैया, पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ा सत्य जीवन का ये है कि एवरीथिंग दैट यू हैव
it's temporary. Whether it's happiness, pleasure, whatever you have, you know, it's temporary. So सबसे जब when you say temporarily means the moment. Today you have this positive moment, something you have negative moment. But सबसे जो जो सबसे easy जो चीज़ है वो बता रहा हूँ मैं. आनंद जो है वो अंदर की यात्रा है, वो बाहर की यात्रा नहीं है. तो गाइज हम अपने भैया से काफ़ी टाइम बाद मिले और अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ वापस. डिनर हमने किया, बहुत टेस्टी था. अब बस जाके पैकिंग करनी है क्योंकि कल आपको पता है कल से आपको शादी वाले व्लॉग देखने को मिलेंगे. मुझे पता कैमरा ऑन नहीं है. क्या है तू? मैं कार्टून हूँ. गाइज हम घर पर आ गए. टेडी ने किससे ज़्यादा प्यार किया? अभी तक दोनों ढूंढ ही रहे हैं. बिट्टू सब काम रेडी? हाँ सब हो गया भैया. मजा लिया ना? क्या कर रहा है भाई? खेल पुनीत फूफा जी भी देखते हैं व्लॉग, याद रखियो. फूफा जी बुआ जी व्लॉग देखते हैं, याद रखियो. भैया 55 किलो की है, बहुत ही मोटी है ये तो. सो गाइस जब हम चलते हैं पैकिंग करने के लिए, कल का दिन आपको मिलेगा दोबारा से ट्रैवल और प्लस शादी वाला व्लॉग देखने के लिए. तो इस व्लॉग को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना. कल मिलेंगे. बाय बाय. अटेंडेंस नहीं दी थी बस आज आपने, मैं भूल गया था, सॉरी मेरी गलती है. लेकिन अब लाइक करना मत भूलना. बाय.